Okay, dear students, so in this particular video, we are going to talk about linear programming. This is one of those topics which is specifically asked in your board preparation, and a 6-mark question comes from it. So that why we are taking this here, because 6 marks is actually very crucial. So 6 marks question, and in fact, if you ask me, this is one of the most lengthiest 6 marks and the most trickiest 6 marks problem you will find in board examination, jahan par आपके एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. तो 6 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, दैट मींस इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, बहुत जरूरी है ये करना. तो इसको करने के लिए बेसिक चीजें क्या हैं, जल्दी से आज इस लेक्चर में देखेंगे बेसिक चीजें क्या हैं. एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, बोर्ड लेवल के प्रॉब्लम्स देखेंगे, सो दैट वी कैन कवर दिस टॉपिक विद इन स्ट्रेट 30 मिनट्स. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक एंड फेच दोज 6 मार्क्स एट योर बोर्ड एग्जामिनेशन. 6 मार्क्स आज पक्के करके जाएंगे हम लोग यहां से. सो वॉट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, ज्यादा इधर उधर की बात करते हुए ना करते हुए इनफैक्ट सीधा काम की बात पे आते हैं. एज अ नेम सजेस्ट लीनियर, तो लीनियर हमें पता है लीनियर क्या मतलब होता है, वेयर द पावर इज 1, डिग्री इज 1. लीनियर तब होता है जब डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1. ठीक है, ये हम सबको पता है, हमने लीनियर फंक्शन पढ़े हुए हैं, लीनियर एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है. स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, लीनियर एक्सप्रेशन, वेयर डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1. तो लीनियर प्रोग्रामिंग का सीधे सीधे अक्षरों में मतलब क्या है कि आपको एक क्वांटिटी दे रखी होगी, लेट्स से जेड, मैंने अजीब तरीके से लिखा है पर ये जेड ही, एक्स प्लस बी वाई. अब ये लीनियर एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें एक्स और वाई जो कि आपके क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, वो डिग्री कितनी है उनकी, 1. हमारे जो कोर्स में है 2 वेरिएबल प्रॉब्लम है, ये हो सकता था कि ये 3 वेरिएबल भी हो, 4 भी हो, जो कि रिसर्चर्स में यूज होता है. ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा टॉपिक है जो शायद एक ऐसा मैथ्स का टॉपिक जो आप आगे चल के अगर देखें तो रियल लाइफ में हर जगह यूज होता है, जहां पर आपको बड़ी बड़ी कंपनियां, जहां पर जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट इसको यूज कर रही होंगी, है ना. इंटरेस्टिंग बात, वो अभी तुम्हें खुद समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन लेंगे कि कैसे यूज होता है. सो हेयर देयर इज अ लीनियर एक्सप्रेशन ए एक्स प्लस बी वाई फॉर विच यू हैव टू फाइंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन. हमें इसका क्या निकालना है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन. और जनरली ऑप्टिमम सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, वी हैव टू फाइंड मैक्स और मिन वैल्यू ऑफ जी. मैक्स और मिन वैल्यू ऑफ जो ये जेड लिखा है ये निकालना है मुझे बेस्ड ऑन, अब मैं थोड़ा सा पेन चेंज करता हूं, बेस्ड ऑन कंडीशन, बेस्ड ऑन कॉन्स्टेंट. ऐसा नहीं है कि आपने कुछ दिया ही नहीं हुआ और आप उसको मैक्सिमाइज कर रहे हो, सो ऑब्वियसली some constraints will come in. On the basis of those constraints, what you have to do? You have to find the maximum or minimum value of z. पहला सबसे बड़ा constraint जो automatically आया था, x and y, जो आपके variables हैं, they are non-negative. ये दोनों कैसे हैं? Non-negative. So that means, अगर आपको ये समझाया जाए, तो इसका क्या मतलब हो गया? x और y जो होंगे, वो positive होंगे, तो मतलब first quadrant में graph बनेगा. ये समझ में आ रहा है, ये मैं क्यों समझा रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ये हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ नहीं होगा, बिकॉज एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, वो एक ही क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. हो सकता है अब आपको 2 कंडीशंस और दे रखी होंगी, मुझे A1 और B1 की वैल्यू नहीं पता, हो सकता है एक कोई ऐसी कंडीशन आ जाए C1, या A1 B1 C1 एक कोई भी नंबर हो सकता है, और सिमिलरली एक और एक्सप्रेशन आएगा A2 B2y greater than C2. ठीक है, तो ये एक तो क्या हो गए constraints, इसकी मदद से आपको इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, जिसको हम या फिर कहते हैं ऑप्टिमाइज दिस लीनियर एक्सप्रेशन. ऑप्टिमाइज क्या हुआ कि आपको इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पता लगानी है. ये पूरा पूरा का पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, या तो मिनिमम निकालेंगे या फिर हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे. इसमें दो चीजें आ जाती हैं कि भैया हम निकालते क्या हैं, फीजिबल रीजन. विल टॉक अबाउट इन अ बिट कि व्हाट इज दिस फीजिबल रीजन. हम आंसर जो निकालते हैं वो निकालते हैं फीजिबल रीजन, और फीजिबल रीजन दो तरीके के होते हैं, बाउंडेड. जैसे अगर आप एरिया अगर पढ़ के आ रहे हो तो एरिया पढ़ लिया तो ये समझ में आ जाएगा, बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन. उसके हिसाब से हम अपनी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने की स्ट्रेटेजीज लगाते हैं. ठीक है, तो जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं पहले, जिनको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी नहीं आती. यहां पर अगर नोटिस करो ये 2 इनइक्वालिटी सॉल्व हो रही है, क्योंकि ये प्योर जो है आपका सीबीएसई का टॉपिक है, तो आई एम ट्राइंग कि इसको पूरा
सीबीएसई के तरीके से ही पढ़ाऊं कि जहां पर हर बच्चा फायदा उठा पाए। तो पहले समझते हैं कि रीजन बनता कैसे है। जो हम फीजिबल रीजन की बात कर रहे हैं तो बाउंडेड और अनबाउंडेड क्या है, क्योंकि सारा चैप्टर इनके ऊपर बेस्ड है कि जो फीजिबल रीजन है ये आप कैसे बनाते हो, और उसके बाद उसको मैक्सिमाइज करने की बातें शुरू होती हैं। तो मान लो मैंने ये चार कंस्ट्रेंट यहां पर लिख दिए इस तरीके से, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, पहला कंस्ट्रेंट 3x प्लस 2y। सो मेरे को इसमें एग्जाम्पल में सिर्फ ये समझाना है कि इनको ड्रॉ कैसे करा जाता है, ये स्ट्रेट लाइन। सो इस इनक्वालिटी को जो लोग बच्चे भूल गए हैं कि ये कैसे होता है, बड़ा आसान है। आप इसको थोड़ी देर के लिए क्या समझ लो, ये क्या है, आप इसको ऐसे ट्रीट करो, आप ये लाइन बनाओगे और दूसरी हमारी इनक्वालिटी कौन सी है, एक्स प्लस वाई लेस देन फाइव। तो जल्दी से क्या बना दोगे भैया, एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव। ठीक है, जल्दी से बनाए ग्राफ के ऊपर। सो अगर देखो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने बना दी है, और ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 लाइन बना दी है। कुछ नहीं करना होता लाइन निकालने के लिए, वाई को जीरो डालोगे तो एक्स इंटरसेप्ट क्या आ रहा है 2, और अगर मैं एक्स को जीरो डालता हूँ तो वाई इंटरसेप्ट क्या आ रहा है 3। ठीक है, तो इस तरीके से लाइन हो गई। ठीक है, अब हमें चाहिए था, लाइन नहीं पूछी गई थी हमसे, क्या पूछा गया था, वी वर आस्ट इन इक्वालिटी, यहां पर ग्रेटर देन जीरो का साइन था। तो जब भी इन इक्वालिटी आ जाए तो इनक्वालिटी का क्या मतलब है कि लाइन के ऊपर का रीजन होगा या लाइन के नीचे का। ठीक है, अबव और बिलो दी लाइन, ये डिटरमिन करना होता है, अबव और बिलो। ठीक है, तो ये डिटरमिन करने के लिए हमारी कौन मदद करता है, सबसे बढ़िया पॉइंट हमारे जीवन में क्या एग्जिस्ट करा है आज तक, ओरिजिन जीरो है ना भैया, जीरो है, और उसकी इन्वेंशन इंडिया ने करी, तो कहीं ना कहीं तो हम उसकी मदद लेके ही लेंगे हर बार। सो ओरिजिन, तुम्हें क्या करना है, पुट ओरिजिन, पुट ओरिजिन। सो इफ यू पुट ओरिजिन व्हाट विल हैपन, सी एलएचएस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जीरो। इक्वेशन क्या बनी, जीरो ग्रेटर देन सिक्स, इज जीरो ग्रेटर देन सिक्स, पूछो अपने आप से, इज जीरो ग्रेटर देन सिक्स, आंसर क्या आया, नो सर इट इज नॉट, ऑब्वियस ही बात है, जीरो तो छोटा होता है। तो इसका मतलब जो जीरो के साइड वाला रीजन है, ये ओरिजिन है ना, तो लाइन के दो रीजन है, एक तो जीरो के साइड वाला और एक जीरो के उधर वाला, तो इसका मतलब कौन सी साइड का आंसर हो गया, जो जीरो के उधर लाई कर रहा है, तो मतलब लाइन के ऊपर का रीजन। आई शो यू कि इसको बनाना कैसे, ठीक है, लाइन के ऊपर का रीजन। जल्दी से दूसरी लाइन बनाते हैं, दूसरी लाइन सिमिलरली क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, इसमें तो आसान काम है। तो ये हो गई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव लाइन, जिसका एक्स इंटरसेप्ट भी क्या है फाइव, तो ये हो गया फाइव, और ये भी क्या है, वाई इंटरसेप्ट भी क्या है फाइव, सेम काम। अब आप क्या करोगे कि भाई बताओगे कि इसका सर कि जो लाइन के ऊपर वाला रीजन या बिलो रीजन, तो यहां पर आओ जीरो कॉमा जीरो पुट करो, जीरो कॉमा जीरो पुट करने पे आपकी बार एलएचएस क्या आ रहा है, एलएचएस कितना हुआ, जीरो प्लस जीरो विच इज इक्वल टू जीरो। सो इज फिर से वही सवाल, क्या जीरो लेस देन फाइव है, यस एब्सोल्युटली राइट। सो इस बार आंसर क्या हुआ, जीरो के तरफ वाला रीजन, तो जीरो कहां कर रहा है, लाइन के नीचे, तो इसका आंसर क्या होगा, लाइन के नीचे वाला रीजन। तो अब अगर हम नोटिस करें हमारे पास कितनी कितनी इक्वेशंस थी वो जरा देखें एक बार, हमारे पास एक इनइक्वालिटी, दूसरी इनइक्वालिटी, तीसरी इनइक्वालिटी और चौथी इनइक्वालिटी, ये चार इनइक्वालिटी हैं जिसके ऊपर तुम्हें काम करना है। अभी काम कैसे करेंगी वो देखते हैं। चलो अब आपने मुझे कहा कि सर एक्स ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब हुआ, ये तो हमने ले लिया राइट हैंड साइड ऑफ दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, वाई ग्रेटर देन जीरो तो मतलब फर्स्ट क्वार्टर। अब आपने कहा 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6 का क्या मतलब है, कौन सा रीजन, जो लाइन के ऊपर वाला रीजन है। ठीक है, तो लाइन के ऊपर वाला रीजन तो ये वाला हो गया, और तुम्हें कैसा चाहिए, ये वाई है ना, वाई ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो वाई ग्रेटर देन जीरो का मतलब हुआ एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक्स ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब हुआ, राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब नोटिस करो, ये वाला रीजन हम नहीं बनाएंगे, कौन सा वाला, ये वाला, ये हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये मार्कर्स हटा देते हैं। सो रीजन कौन सा बचा अब, लाइन के इधर वाला, और ये कहता है लाइन के नीचे वाला, तो नोटिस करो रीजन कौन सा बना, ये वाला, दिस इज दी ओनली रीजन विच यू विल सी विच इज सेटिस्फाइंग ऑल दी फोर इनइक्वालिटीज। ये समझना बहुत जरूरी है, अगर ये तुम्हें समझ में आ रहा है तो पूरा का पूरा मान के चलो लीनियर प्रोग्रामिंग तुम्हें समझ में आ गया। तो इस रीजन के ऊपर ही सारी कैलकुलेशन है, ये है, इसे कहते हैं फीजिबल रीजन। ये क्या हुआ, फीजिबल रीजन, और ये कैसा फीजिबल रीजन है, ये है बाउंडेड फीजिबल रीजन। क्यों बाउंडेड है ये, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है चारों तरफ इसकी बाउंड्री है, भाई इसकी बाउंड्री बन रही है तभी तो इसको क्या कह रहे हैं, इसलिए इसको हम इसको कह रहे हैं फीजिबल, फीजिबल बाउंडेड रीजन। क्यों, एक बाउंड्री, फिर ये दूसरी बाउंड्री, तीसरी बाउंड्री, चारों तरफ से क्या ये घिरा पड़ा है ना, कहीं भी आपको ओपन मिल रहा है, और एक ये चौथी बाउंड्री।
इसलिए ये फीजिबल रीजन है, पर कैसा, बाउंडेड फीजिबल रीजन है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, फीजिबल रीजन। जो भी आंसर है, मतलब फिजिकल का मतलब ये नहीं है कि ऑप्टिमम आंसर है, इसका मतलब ये है कि जो भी आंसर्स आएंगे जो इन चारों को सेटिस्फाई करेंगे वो इस इसके अंदर लाए करेंगे। अब अगर हम बात करें अपना कि सर जी व्हाट इज दी ऑप्टिमम सॉल्यूशन, सर आप तो हमें बताइए ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या है, जहां से मैक्सिमम या फिर मिनिमम की बात करेंगे। सो नाउ दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट। सो वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल फीजिबल रीजन विद बाउंडेड रीजन, बाउंडेड एरिया, ठीक है, ये हुआ बाउंडेड एरिया के साथ आपका। सो इसमें हमेशा याद क्या रखना है कि आपको कहां पर मिलते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन, एट दी कॉर्नर्स, जो इसके कॉर्नर्स बन रहे हैं। तो ये जो ये वाले जो सारे पॉइंट्स हैं, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इसी पे या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या फिर मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो अगर आपसे पूछा जा रहा था इक्वेशन के अंदर कि आपको मैक्सिमाइज करना है लेट से 10x प्लस 13y को, तो आप x और y की कौन कौन सी वैल्यूज चेक करोगे, जो ये चार पॉइंट्स आ रहे हैं, अगर मैं इनका नामकरण कर दूं a b c एंड d, दीज फोर पॉइंट्स विच यू आर गेटिंग विल एक्चुअली टेल यू कि सर जी इन चार पॉइंट्स पे, ये वाला पॉइंट, इन्हीं पे आप अब इनको कैलकुलेट करोगे और जो जिस पे भी मैक्सिमम या मिनिमम आएगी वो आंसर आप रिटर्न में दे दोगे। क्लियर है जी, बात समझ में आई, बहुत आसान चीज, ठीक है। और ये पॉइंट्स निकालने भी बहुत आसान है, तो 2.0, ये 0.3, ये 0.5 और ये 5.0, पेपर में यहीं पर प्रॉब्लम आती है कि जरूरी नहीं है बहुत आसान हो कैलकुलेट करना, इसी पे सारी मेहनत है। क्लियर है जी, फीजिबल रीजन विद बाउंडेड एरिया, ओके, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं अब है कि जेड जो है एक आपको दे रखा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है -3x + 4y, इसकी आपको मिनिमाइज करना है, मतलब मिनिमम वैल्यू निकालनी है इन गिवन कंस्ट्रेंट्स के ऊपर। तो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्सेप्टेड, ठीक है जी। अब दो लाइनें कौन कौन सी आ रही है, एक आ रही है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, तो इसमें कौन सी लाइन बनाओगे आप लोग, जल्दी से बना लें। तो इसके लिए लाइन बनेगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, इसका x इंटरसेप्ट क्या है, बस जल्दी जल्दी निकालिए करो, अब आगे से इसमें टाइम नहीं लगाना है अपने को। x इंटरसेप्ट आ गया 8 और y इंटरसेप्ट कितना है इसका, कौन सा आ गया 4। तो जल्दी से एक बार चेक कर ले कौन सा रीजन होगा, लाइन का ओरिजिन के साइड वाला रीजन होगा या ओरिजिन से दूर दूसरी तरफ वाला रीजन होगा। तो अगर 0.0 सेटिस्फाई कर रहा है, 0.0 ये सेटिस्फाइज, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो वाला रीजन जिसके अंदर ओरिजिन आएगा वो आंसर होगा इसका, तो ओरिजिन सेटिस्फाइज। सिमिलरली दूसरी लाइन जल्दी से पकड़े, वो आती है क्या है, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। इसका लिए आप कौन सी लाइन बनाओगे, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, फिर से x इंटरसेप्ट क्या आ रहा है उसका, इसका x इंटरसेप्ट आया है 4 और y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है 6। फिर से एक बार चेक करें, 0.0 सेटिस्फाई कर रहा है, अरे वाह यार ये तो 0.0 यहां पर भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसका भी कौन सा रीजन लिया जाएगा, लाइन का वो वाला रीजन जहां पर ओरिजिन लाई कर रहा है, ठीक है। अब जल्दी से इनको नंबर अपने ग्राफ पे बना के देखते हैं। सो कुछ इस तरीके से लाइनें बन जाएगी, जो ये ऑरेंज लाइन है ये लाइन वन, तो इसको मैंने नाम दे दिया लाइन वन, ठीक है। तो नोटिस करो ये एक्स इंटरसेप्ट इसका है 8 और वाई इंटरसेप्ट आ रहा था 4। लाइन टू हो गई जो ब्लू लाइन मैंने डिनोट करी है, इसमें एक्स इंटरसेप्ट था 4 और इसका वाई इंटरसेप्ट कितना था 6, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसका रीजन आया था 0.0 सेटिस्फाइज, तो इसका वो वाला पोर्शन लेना है लाइन L1। L1 कौन सी है भैया, ऑरेंज लाइन। ऑरेंज लाइन के ऊपर वाला रीजन लूं या नीचे वाला रीजन लूं, वो रीजन लेना है जहां पर क्या सेटिस्फाई हो रहा है भाई, ओरिजन। तो ओरिजन तो लाइन के नीचे है, तो इसका कौन सा लिया जाएगा, लाइन के नीचे वाला रीजन, पर सिर्फ वो रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। तो ये वाला सारा रीजन, अभी इसमें ये वाला रीजन भी आ रहा है, पहले लाइन टू की बात कर लेते हैं। लाइन टू में भी कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये हुई लाइन टू 0.0, सो दैट मीन्स उसके भी लाइन के नीचे वाला रीजन। तो लाइन के नीचे वाला रीजन ऐसा लेना है जो दोनों लाइनों के लिए ट्रू हो रहा हो, तो वो एक ही रीजन हो रहा है, कौन सा बता सकते हो मुझे, वो सर ये वाला, ऑब्वियस ही बात है ना, अब ये तो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आ गए हैं एक्चुअल में, तो तुम लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है इनमें, जो दिख रहा है वही रीजन होगा और क्या होगा, ठीक है। तो बना देते हैं थोड़ा और, शेडिंग करना चाहो कर लो, है ना। तो ये रीजन हमारा फीजिबल रीजन है, हमारा क्या कहेंगे इसे, ये आंसर नहीं है, ये भी क्या है, फीजिबल रीजन। तो इसके अब सबसे पहले तुम्हें क्या पता करने हैं, व्हाट आर दी
कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आए इसमें, नामकरण करें। एक तो हुआ ओरिजिन, ओ ही ले लेते हैं इसको, ये हो गया ए जो कि 4,0, फिर क्या हुआ बी, ये हो गया 0,4, और एक ये सी भी तो है भाई, ये वाला पॉइंट, तो ये भी तो बाउंड्री पॉइंट है ना। तो हम क्या करेंगे, इस सी को भी निकालेंगे और ए बी और ओ तो हमने निकाल रखे, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैंने दोनों चीजें लिख दी हैं, सबसे पहले तो ये सी पॉइंट फिगर आउट करो। जो ये सी है, तो ये सी है क्या भाई, ये अगर ये वाला जो सी की हम बात कर रहे हैं, ये है क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस, इंटरसेक्शन ऑफ एल वन एंड एल टू। तो इंटरसेक्शन ऑफ एल वन एंड एल टू निकाल लो, बहुत बेसिक है यार, ये हमारी लाइन एल वन थी और ये हमारी लाइन क्या है एल टू। लाइन निकालते वक्त इक्वालिटी ही लेनी है, इनइक्वालिटी हटा देंगे, इक्वल टू करके निकाल लेंगे। सो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ रहा था 2,3। तो अब आपके पास जो बाउंडेड रीजन बन रहा है उसके चारों कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं। अब सेकंड पॉइंट क्या करना है, फाइंड वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बला आ गई, अरे भैया ये थी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यूज निकालनी है, तो ये यहां लिख देता हूं ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x, भाई जिसको मैक्सिमाइज करना है जिसको मिनिमाइज करना है उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, -3x। अब हम करेंगे इन सब के कॉर्नर पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे 0,0 पे इसको वैल्यू पुट करते हो तो क्या आंसर आ रहा है भाई, इस पे तो वैल्यू क्या आ रही है, जीरो ही आ रही है। अगर आप एट ए निकालते हो तो ये आंसर आएगा -12, बी पे निकालते हो तो क्या आ रहा है 16, और अगर सी पे निकालते हो तो भी आंसर क्या आएगा, सॉरी माई मिस्टेक, ऑल राइट। सो अभी हम सी नहीं, बी पे 16, और सी पे अगर आप निकालते हो तो बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करो। सो ये 12 -6 6 आ गया, ठीक है। तो इन चारों में से ही अब आपके पास मैक्सिमम और जो मिनिमम है वो इन्हीं चारों में से निकलेगा, ये याद रखना है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें इस क्वेश्चन में इस चीज को मिनिमाइज करना था, तो इन चारों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, व्हाट इज द मोस्ट, और इनफैक्ट यू शुड से लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है भैया, -12, एब्सोल्यूटली राइट। सो -12 इज द लीस्ट वैल्यू, तो इसका मतलब इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन किस पे मिलेगा, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट 4,0 पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो मिनिमम वैल्यू है क्या, -12। सो इसका आंसर कैसे करोगे, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि z इज -12 एट विच पॉइंट 4,0। यही क्वेश्चन अगर होता मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती तब भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में सिर्फ क्या था, तुम क्या करके आते, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज, अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है, देखो 0 माइनस ऑब्वियसली बात है 16 पे आ रही है, तो क्या होता है 16 किस पॉइंट पे आ रही है, बी पे विच यू इज 0,4, खत्म। इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमेशा चेक कौन से पॉइंट्स करने हैं आपको, बाउंड्री पॉइंट्स, क्लियर है बात। बाउंडेड रीजन में कैसे लगता है समझ में आ गया, बेसिक एग्जांपल लेके हमने समझने की कोशिश करी है, दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। सो आई होप कि जो पहले मैंने करा दैट वाज क्लियर टू यू गाइस दैट हाउ यू हैव सॉल्व इट। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, फिर से इसमें वही कंस्ट्रेंट्स ही चार हो गए और हमारी ये आ गई। तो लाइन्स कौन कौन सी है, लाइन L1 ले लें, L1 ले लेते हैं ये वाली, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, लाइन तो हमेशा इक्वेशन के साथ बनेगी, और ये हो गई लाइन 2 x प्लस y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसमें फिर से वही नोटिस करें, L1 का कौन सा रीजन लेना है, अब से ओरल कर लें, 0,0 डालो, 0 इफ यू पुट 0,0 तो ये क्या बनेगा, LHS 0, इज 0 ग्रेटर देन 3, नो, तो ये क्या हो गया रीजन अपोजिट टू ओरिजिन, लिख दू अपोजिट टू ओरिजिन, ये तो हमें यहीं से दिख रहा है। अच्छा इस वाले की अगर बात करें, इसमें 0,0 डालो, ये भी क्या कहता है, अरे नहीं भाई ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो क्या हुआ LHS क्या आ गया 0, इज 0 ग्रेटर देन 2, नो, तो ये भी क्या कहता है, वो वाला रीजन लेंगे हम लोग जो कि क्या है अपोजिट टू ओरिजिन। लेट्स नाउ ड्रॉ देम ऑन द ग्राफ। सो इस तरीके से कुछ लाइनें बन जाएंगी, मैंने ऑरेंज लाइन जो बनाई है वो L1 लाइन है, कैसे बनी जल्दी से याद कर लें दोबारा से, एक्स इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, वाई को 0 डालो 3, तो वो 3,0 प्लॉट कर दिया गया, और वाई इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, एक्स को 0 पुट करो तो 1। सिमिलरली द ब्लू लाइन इज शोइंग योर L2 लाइन, एक्स एंड वाई बोथ इंटरसेप्ट आर 2। अब की बार क्या चीज है, रीजन अपोजिट टू ओरिजिन, तो मतलब अपोजिट टू ओरिजिन क्या हुआ, ये था ओरिजिन, तो अपोजिट टू ओरिजिन मतलब इस वाले लाइन का ऊपर वाला हिस्सा और इस वाली लाइन का भी ऊपर वाला हिस्सा, क्योंकि वही रीजन अब की बार क्या होगा अपोजिट टू ओरिजिन, क्योंकि अगर लाइन के नीचे वाला हिस्सा ले लोगे तो उसमें ओरिजिन लाई कर जाएगा, आपको वो रीजन नहीं चाहिए। तो इस बार क्या रीजन बन रहा है देखो, और आपको हमेशा क्या चाहिए, एक्स और वाई
पॉजिटिव तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन होना चाहिए। तो ऐसा रीजन जो इन चारों चीजों को सेटिस्फाई करे, तो जो मैं जबरदस्त तरीके से लाइनें बना रहा हूं, ये रीजन नहीं बन जाएगा। ये नोटिस करो, ये सारा जो है, जो शेडेड मैंने मारा है रीजन, दिस इज नाउ योर, व्हाट इज इट इज, इट इज योर फीजिबल रीजन। ये तुम्हारा क्या बन गया अब, फीजिबल रीजन। ठीक है, तो इस बार अगर आप नोटिस करो, फिर से हाईलाइट करें, क्या जो ये रीजन बन रहा है, ये जो शायद मैं शेड करने की कोशिश कर रहा हूं, पर तुम्हें हो सकता है शेड कम दिखे, क्या ये इस बार बाउंडेड है? क्वेश्चन टू यू गाइस, दिस इज नॉट अ बाउंडेड रीजन। सो इसकी बार ये क्या बना है, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड एज ए नेम से, जिसकी कोई बाउंड्री ना हो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बाउंड्री ना हो। अगर नोटिस करो, एक बाउंड्री ये आ रही है, एक बाउंड्री ये चल रही है, फिर यहां से यहां आ गया, फिर यहां आ गया, पर ये वाला तो सारा अनबाउंडेड है। ये कहां तक जा रहा है हमें नहीं पता आगे। सो इसे क्या कहते हैं, अनबाउंडेड रीजन। सो ये एग्जाम्पल लेके समझना है कि अगर अनबाउंडेड फीजिबल रीजन बनता है तो हाउ यू हैव टू सॉल्व। सो पहली चीज, तो फिर से इसमें कॉर्नर पॉइंट्स निकालो। तो हम कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हुए, एक तो ये हो गए जो ये आ रहा है, ठीक है, तो इसका नाम कर देते हैं बी, जिसकी वैल्यू क्या है, 0.2। फिर एक ए पॉइंट आ रहा है जो कि ऑलरेडी हमें पता है क्या है, 3.0, तो इसको हम 3.0 कर देते हैं, इसका नामकरण भी कर देते हैं कि ए है ये। और एक और कॉर्नर पॉइंट है जो जनरली लोग ना मिस आउट कर देते हैं, वो मिस नहीं करना है, ये वाला भी तो बाउंड्री पॉइंट है ना भाई, ये वाला, ठीक है, तो इसको हम सी डिफाइन कर देते हैं, जो कि फिर से क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। और उसके बाद हमें नहीं पता कि भाई जो आगे वाला रीजन है वो क्या होगा। ठीक है, तो पहले, सबसे पहले फिर से वही काम करना है। अब आगे क्या मतलब, फर्स्ट स्टेप फिर से अगर लिखना हो, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फाइंड सी। सी इज नथिंग बट इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो इसमें फॉर एग्जाम्पल हमें मिनिमाइज करना था, क्वेश्चन क्या था, यू हैव टू मिनिमाइज दिस पर्टिकुलर लीनियर एक्सप्रेशन। सो मिनिमाइज के लिए मिनिमाइज वाली टेबल बनाएंगे। मिनिमाइज करने के लिए क्या करोगे, मिनिमाइज टेबल। मिनिमाइज टेबल का क्या मतलब है, आप फिर से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू किन किन पॉइंट्स पे निकालेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स पे। मिनिमाइज टेबल विद हेल्प ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, करेंगे जल्दी से काम। ठीक है, लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। सो अगर तुम इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते, विच आई हैव नॉट डन हियर, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या रहे, सी 3/2, 1/2। ठीक है, तो हमने टेबल बना ली जल्दी सी, जहां हमें सॉल्व करना होता है कि भाई ये लोग कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, और ए बी और सी कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। कॉर्नर पॉइंट्स पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ए है 3.0, तो अगर 3.0 डालते हो तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 9। 0.B डालते हो तो कितनी आ रही है, 0.2 डालते हो तो कितनी वैल्यू आ रही है, 10। और अगर सी पॉइंट डालते हो तो ये देखो कितना बन रहा है, 9/2 + 5/2, 14/2, विच इज 7। हमें क्या करना है, मिनिमम वैल्यू। सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू दैट यू आर गेटिंग राइट नाउ, दैट इज द मिनिमम वैल्यू 7, विच यू आर गेटिंग एट द कॉर्नर पॉइंट सी। बट अगर आप अभी जल्दबाजी में आंसर लिखा देते हो कि सर द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 7, अगर आप ये लिखाते हो पेपर में मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 7, ठीक है, तो ये आंसर हो गया गलत। इसके लिए आपको सिर्फ कितने मिलेंगे, 6 में से 3 मार्क्स। क्यों, क्योंकि यू हैव नॉट कंप्लीटेड द एंटायर क्वेश्चन राइट नाउ। ये प्रॉब्लम कब आएगी, जब आपका कैसा रीजन है, अनबाउंडेड रीजन। बाउंडेड रीजन होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब यहां पर आंसर देने पे सही आंसर मिलेगा। बट ये आंसर अभी इनकम्प्लीट है। हाउ टू कंप्लीट दिस आंसर नाउ, लेट्स सी।